आज के लेक्चर में हम लोग देखेंगे इस लेक्चर में कि किस तरह से क्लासफुल एड्रेसिंग की जाती है। ठीक है, तो क्लासफुल एड्रेसिंग के लिए क्या था कि मैंने जैसे बताया था IPv4 में टोटल 32 बिट्स का IP एड्रेस होता है। ठीक है, तो सबसे पहले क्या किया जाता है, जो 32 बिट्स का IP एड्रेस होता है उसको एक बिट फिक्स कर दी जाती है। ठीक है, तो या तो वो 0 होगी, ठीक है, या फिर वो 1 होगी। तो दो पार्ट में सारे एड्रेसेस टूट जाएंगे, एक वो पार्ट वो होंगे जो 0 से स्टार्ट होते होंगे, एक वो नंबर्स होंगे जो 1 से स्टार्ट होते हैं। ठीक है, तो हर एक पार्ट का साइज कितना होगा, जैसे यहाँ पर एक बिट फिक्स किया है तो k का वैल्यू है 1, ठीक है, और 2n-k यानी कि 2^32-1 यानी कि 2^31 मीन्स दो पोर्शन में टूटा और हर एक पोर्शन का साइज है 2^31, 2^31। ठीक है, तो इस तरह से दो पार्ट में टूटा। अब क्या किया, दो पार्ट में तोड़ा, एक पार्ट को इन्होंने दे दिया कि ये क्लास ए है और दूसरे वाले पोर्शन को फिर से तोड़ा। ठीक है, तो एक पोर्शन को दे दिया कि वो क्लास ए एड्रेस क्लास ए है और दूसरे बचे हुए पोर्शन को 2^31 है उसको हम फिर से तोड़ेंगे। तो उसको तोड़ेंगे कैसे ये देख लेते हैं कि उसको तोड़ने के लिए क्या है कि अब हमने अभी तक एक बिट फिक्स किया था, यहाँ तो देखो 1 फिक्स हो चुका है, तो ये 1 फिक्स हो गया है। अब हम क्या करेंगे, दूसरे वाले जो बिट है उसको भी फिक्स करेंगे। तो अगर दूसरा वाला बिट भी फिक्स करेंगे तो क्या होगा, या तो 1010 से नंबर्स होंगे या फिर 11 से नंबर्स होंगे, क्योंकि इसका पहला बिट तो 11 ही था, तो दूसरा या तो 0 होगा या 1 होगा, तो ये फिर से दो पार्ट में टूटेगा। अब देखो ये दो के की वैल्यू 2 हो जाएगी तो टोटल कितना साइज होगा इसका, 2^30। ठीक है, तो ये भी 2^30 होगा और ये वाला पोर्शन भी 2^30 होगा। ठीक है, अब आगे देखेंगे तो फिर से क्या करेंगे, ये वाले को दे देंगे क्लास बी नाम और इस वाले पोर्शन को फिर से तोड़ेंगे। ठीक है, ये जो पोर्शन बचा था, अब इसमें देखो पहले दो बिट तो 11 ही होगा, ठीक, बाकी बचा हुआ थर्ड बिट अब हम इसको फिक्स करेंगे। तो थर्ड बिट या तो 0 हो सकता है तो 110 बनेगा या फिर 1 हो सकता है तो 111 बनेगा। ठीक है, तो दो पार्ट में टूटेगा। तो अब इसमें देखो 3 बिट 32 में से 3 बिट फिक्स हो रही है तो इसका साइज कितना होगा, k का वैल्यू 3 हो जाएगा तो इसका साइज हो जाएगा 2^29। तो ये दोनों पोर्शन हो जाएंगे 2^29 में। इसको क्लास सी एड्रेस दे दिया। अब इसको तो सेम रखा और इसको हमने दो पार्ट में डिवाइड कर दिया फिर से। ठीक, तो यहाँ पर देखो 3 बिट्स तो फिर फिक्स थी 111 क्योंकि इस वाले पोर्शन को लेंगे, और चौथी बिट फिक्स करेंगे तो 1110 होगा या तो 1111 होगा। ठीक है, तो ये दो पार्ट में तोड़ दिया। फाइनली इसको क्लास डी नाम दे दिया और इसको क्लास ई नाम दे दिया। ठीक है, तो यहाँ पर देख सकते हैं 2^21 टोटल पार्ट्स, हर एक पार्ट का साइज होगा जो 2^21 होगा। यहाँ पर क्लास बी में 2^30 होगा, क्लास सी में 2^29 होगा और क्लास डी में 2^28 होगा और यहाँ पर भी 2^28 होगा। जो अभी हमने लास्ट लेक्चर में देखा था कि किस तरह से तोड़ना चाहिए, उसी कॉन्सेप्ट को यूज़ किया और डिफरेंट क्लासेस बना दी। ठीक है, तो इसमें सिंगल बिट फर्स्ट बिट 0 होगी, ठीक है, और बाकी 2^31 बिट्स डिफरेंट होंगी। यहाँ पर 2 बिट फिक्स होंगी 10, बाकी फिक्स नहीं होंगी। यहाँ 3 बिट फिक्स होंगी 110, बाकी फिक्स नहीं होंगी। यहाँ पर 4 बिट फिक्स होंगी 11110 111 और यहाँ पर 4×1। ठीक है, ये हो गया। अब इस तरह से क्लास ए क्लास बी क्लास सी का यूज हम करते हैं। क्लास ए जो सबसे बड़े नेटवर्क होते हैं उनके लिए, क्लास बी जो छोटे छोटे नेटवर्क्स बनाने होंगे उसके लिए, क्लास सी जो और छोटे नेटवर्क्स बनाने होंगे उसके लिए यूज करते हैं। क्लास डी का यूज करते हैं हम। क्लास डी होता है कि जब ब्रॉडकास्टिंग के लिए यूज होता है, रिजर्व रहता है ये ब्रॉडकास्टिंग के लिए क्लास डी, और क्लास ई जो है ये फ्यूचर यूज के लिए रखा गया है।
ठीक है, या स्पेशल पर्पज के लिए भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह से ये डिफरेंट डिफरेंट क्लासेस हो गई हैं। अब हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे कि कौन कौन से एड्रेस, जैसे क्लास ए के एड्रेसेस हैं वो कहाँ से कहाँ तक जाते हैं, ठीक है, कितना नेटवर्क आईडी होता है, कितना होस्ट आईडी होता है। ऐसे ही क्लास बी में देखेंगे कितना नेटवर्क आईडी होता है, कितना होस्ट आईडी होता है। क्लास सी के लिए भी देखेंगे, ठीक है, किस तरह से हम चीजें करते हैं ये हम धीरे 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 देखते जाएंगे। बट अभी जो क्लास फुल एड्रेसिंग होती है वो पांच पार्ट होते हैं नॉर्मली, क्लास ए, क्लास बी, क्लास सी, क्लास डी और क्लास ई, जिसमें से क्लास डी ब्रॉडकास्टिंग के लिए रिजर्व रहता है और ये फ्यूचर यूज के लिए रिजर्व रहता है, ठीक है, या स्पेशल पर्पस के लिए भी कह सकते हैं। बाकी क्लास ए, क्लास बी, क्लास सी का यूज हम नेटवर्किंग में आईपी के लिए करते हैं, और किस तरह से इसमें कौन कौन से नंबर्स आते हैं, कौन कौन से आईपी एड्रेसेस आते हैं, कितना नेटवर्क आईडी का पोर्शन होता है, कितना होस्ट आईडी का पोर्शन होता है, कितने नेटवर्क क्लास ए में बन सकते हैं, कितने नेटवर्क क्लास बी में बन सकते हैं, कितने नेटवर्क क्लास सी में बन सकते हैं, ये भी देखेंगे हम, ठीक है। कितने होस्ट एग्जिस्ट कर सकते हैं क्लास ए में, कितने होस्ट क्लास बी में एग्जिस्ट कर सकते हैं, कितने होस्ट क्लास सी में एग्जिस्ट कर सकते हैं, अब ये भी देखेंगे, ठीक है। उसके बाद जब ये इतना पूरा हो जाएगा तो उसके बाद हमें पता चल जाएगा कि जो क्लासेस हैं एड्रेसिंग के वो किस तरह से हैं, और उसके बाद जब आगे चलेंगे तो फिर हम देखेंगे कि सबनेट कैसे बनते हैं, नेटवर्क कैसे बनते हैं, डेटा पैकेज कैसे ट्रेवर्स करता है, तो ये सब एक उसमें देखेंगे, एक हायरार्की में। तो नेक्स्ट लेक्चर में अब हम देखेंगे कि इसमें जो क्लासेस बनाई हैं वो किस किस तरह से कहाँ कहाँ वर्क करते हैं, ठीक है। थैंक यू।